नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। देवघर में कास्टर टाउन इलाके में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। झारखंड आर्म्ड पुलिस की एक बस ने स्कूल जा रहे दो बहन और एक भाई को कुचल दिया, जिसमें कक्षा 9वीं की एक छात्रा की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र और एक छात्रा घायल हो गए। बताया जाता है कि घर की देखभाल करने वाले स्टाफ की स्कूटी पर सवार होकर तीनों भाई बहन स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार देवघर शहर के बड़ा बाजार निवासी राकेश कुमार की पुत्री ऋषिका मंजुल सेंट फ्रांसिस स्कूल में 9वीं में पढ़ती थी। वो अपने चाचा अनिकेत कुमार के पुत्र रियांश मंजुल और पुत्री दिविशा मंजुल के साथ स्कूटी में स्कूल जा रही थी। चाचा के दोनों बच्चे डीएवी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। जानकारी के मुताबिक स्कूटी इनके घर की देखभाल करने वाला स्टाफ चला रहा था। जैसे ही वो कस्टर टाउन चौक के समीप पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रही जैप 5 मोहनपुर की एक बस ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा ऋषिका मंजुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दिविशा और रियांश घायल हो गए। घटना में स्कूटी चालक को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को उठाकर फौरन देवघर सदर अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए और घटनास्थल के समीप थोड़ी देर के लिए सड़क जाम कर दिया। कस्टर टाउन का ये इलाका काफी व्यस्त माना जाता है, इस वजह गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने लगी। वहीं सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया।